यूसीसी विधेयक सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि इतिहास की साक्षी बनी है। प्रेस आज के और अभी की सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, इंडिया के उत्तराखंड के अंदर एक बिल पास हो चुका है जिसका नाम है यूसीसी। अब इससे क्या मुसलमानों को खतरा है, क्या इससे मुसलमानों का हक छीना जाएगा, तो मैं आपको यूसीसी बिल के बारे में सारी डिटेल देने वाला हूँ। इसके अंदर आखिर होगा क्या और आखिर ये क्यों पास किया गया ये भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह के अपडेट लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता कि यूसीसी बिल है क्या। इसका अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सब नागरिकों के लिए एक समान कानून। अब हमारे देश के अंदर दो कानून है, एक क्रिमिनल लॉ, जो अगर कोई भी समाज का कुछ करता है तो उसको एक जैसा मतलब सजा मिलेंगी, चाहे अगर हिंदू को फांसी मिली तो इसी भी फांसी मिलेंगी वही गलती की। लेकिन ऐसे में जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ के अंदर ऐसा नहीं है। सिविल लॉ के अंदर अभी तक ऐसा था उत्तराखंड के अंदर कि जो अपने समाज के अंदर जो शरीयत में लिखा हुआ है, जो इस्लाम में लिखा हुआ है, जो हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, वो आप कर सकते हो। लेकिन ये कानून आने के बाद सब पे एक जैसा कानून लागू हो जाएगा। अब इसके अंदर कानून के अंदर कौन कौन सी चीज आती है मैं आप सभी को बता देता हूं। सबसे पहले शादी, आप सभी को बता दूं मुस्लिम धर्म के अंदर आप 15 साल या 16 साल के अंदर शादी कर सकते हैं अगर लड़की बालिग हो गई तो। लेकिन ये कानून आने के बाद आप शादी नहीं कर सकते, शादी की उम्र तकरीबन सरकार की तरफ से 21 साल होंगी। और इसकी अगर आप बात करेंगे तलाक की, आप जैसा कि आप सभी को पता हो कि इस्लाम धर्म के अंदर 4 शादी कर सकते हैं और तलाक का अलग कानून है मतलब शरीयत के अंदर, लेकिन आपको डायरेक्ट कोर्ट से तलाक करना पड़ेगा, जो शरीयत का कानून है वो इस पर लागू नहीं होगा और आप एक ही शादी कर सकते हैं। और उसी के बाद प्रॉपर्टी के अंदर सबका एक जैसा हिस्सा रहेगा, यानी कि लड़की को भी उतनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा और लड़के को भी उतना ही हिस्सा देना पड़ेगा। और जो आखिरी आपसे बता दूं, बच्चा गोद, यानी कि आप बच्चे को गोद ले सकते हैं ये कानून आने के बाद। अब इसके अंदर मुसलमानों को क्या खतरा है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं जो मुसलमानों की शरीयत में लिखा हुआ है तलाक शादी अपनी मर्जी शादी करना, यानी 15 या 16 साल की उम्र के अंदर, अब वो गैर कानून हो जाएगा, उस पर आपको सजा मिलेगी। आप उत्तराखंड के अंदर बिना 21 साल के लड़की की शादी नहीं करा सकते, तलाक आप शरीयत के हिसाब से नहीं ले सकते, आपको कानून के हिसाब से करना पड़ेगा। जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें कानून के हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब आपसे बता दूँ, ये कानून जब से लागू हुआ, हालांकि जब जैसे ही कानून लागू हो रहा था, जब से यूसीसी के बारे में चल रहा था, तो कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे और कई सारे लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे। ये एक राजनीति मुद्दा था जो कि आज उत्तराखंड के अंदर पास हो चुका है। लेकिन इसी पर आप मुझे अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपको ये जो बिल पास हुआ सही हुआ गलत हुआ, जिस तरह से अभी तक चल रहा था अपने धर्म के हिसाब से सब चल रहे थे, शादी कर रहे थे, सारी चीज़ कर रहे थे, इस पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं, ताकि लोगों को पता चले कि यूसीसी आखिर है क्या। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।